आज हम सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य द्वादश नाम स्तोत्र पे चर्चा करेंगे। ये द्वादश नाम स्तोत्र जो है, अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 बार इसको बोलता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उसकी प्रीति हो जाएगी। तो ये द्वादश नाम स्तोत्र जो है दो दो श्लोकों का ही है, इसलिए अभी हमारे पास समय भी कम है, तो हम इस दो द्वादश नाम स्तोत्र जो है इसको पाठ करेंगे। जो भी आप चाहें चाहें तो इसको रिकॉर्ड करके इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। चैतन्य कृष्ण चैतन्यो गौरांगो द्विज नायकः यतीनां दंडिनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि रक्तांबरधरः श्रीमान नवदीप सुधाकरः प्रेम भक्ति प्रदश्चैव श्री सचिनंदनस्तथा द्वादशैतानि नामानि ऋसंध्यं यः पठेन्नरः तस्य वाञ्छा सुसिद्धिः स्याद् भक्तिशील पदाम्बुजे। तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है? चैतन्य कृष्ण चैतन्यो, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जिनको जाना जाता है, गौरांग, गौरांग का मतलब गोरे रंग के भगवान है, द्विज नायक, सारे ब्राह्मणों में नायक है। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है जो भगवान का प्रचार करता है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है जो भगवान का प्रचार करता है। यति नाम शिरोमणि, यति नाम शिरोमणि का मतलब जितने भी सन्यासी हैं उनमें भी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यति नाम शिरोमणि क्यों है? क्योंकि वो सन्यासी का सबसे मुख्य चीज ये होता है कि वो हर चीज से मुक्त होता है, दुनिया की हर एक आसक्ति से वो मुक्त होता है सन्यासी। लेकिन कर्तव्य बोध से सारे कार्य करता है, जैसे कि अपने शरीर की देख रेख करता है। इसके लिए मैं एक बार ये कहानी मैंने सुनाई थी पहले भी, आप ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। एक समय की बात, एक सन्यासी थे, वो ट्रेन में जा रहे थे, तो किसी ने उनकी टिकट फर्स्ट एसी में बुक कर दी। तो अब फर्स्ट एसी में बुक की तो उनके सामने एक व्यक्ति थे और वो थे, दो लोग थे, दोनों बातें करने लगे। फर्स्ट एसी वाले जो और व्यक्ति थे वो कहने लगे कि कोई ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है स्वामी जी, आप भी हमारे जैसे ही बैग लेकर के आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, दो बैग आपके भी हैं, दो बैग हमारे भी हैं। तो आजकल सब साधु लोग भी एकदम सब ऐसे ही हो गए हैं, ऐसे ही है। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया तो दोनों उतरे कि चलो थोड़ा बाहर देख लेते हैं, थोड़ा फल वगैरह लेना हो तो ले लेते हैं। तो बाहर गए दोनों, एक एक बेंच पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने कहा कि वो जो बिजनेसमैन थे वो जाने लगे, भागने लगे, अरे अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तो वो सन्यासी ने क्या किया, उनको पकड़ लिया, बोले अरे जाने दो, क्या हुआ, जैसे हम है वैसे आप है, जाने दो क्या होगा, जिसका होगा ले जाएगा, क्या है, दो बैग है क्या? अरे नहीं, मुझे ना बिजनेसमैन बोला, नहीं, अरे छोड़िए भाई छोड़िए, ऐसे नहीं, मेरा सामान है, मेरे सामान का क्या होगा? अरे बोले अरे क्या सामान है, जैसे हम है वैसे तुम हो, क्या है इतना कुछ। बेचारा डर गया डर गया। उसने कहा नहीं, हम दोनों बराबर नहीं है, चिंता मत करिए, आपके पास है पर अभी ही आप इसको छोड़ सकते हैं, हमारे पास जो है हम उससे आ सकते हैं।
आपके पास जो है वो कृष्ण सेवा के लिए है, हम उनसे आसक्त नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, यति नाम शिरोमणि, भगवान सारे यतियों में, सारे सन्यासियों में शिरोमणि है। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ, ऑपुलेंस फॉर कृष्ण। कृष्ण की सेवा के लिए खूब बढ़िया से हो सब कुछ, और एकदम अच्छे से हो सब कुछ, और अपने लिए कुछ नहीं। जैसे छठ गोस्वामी है, अपने लिए तो कोई घर नहीं बनवाए, लेकिन भगवान के लिए 7 माले की बिल्डिंग बनी, राधा गोविंद देव जी के लिए। तो इसको सन्यास कहते हैं। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब है जो कर्म फल में आसक्त नहीं होता, मतलब कर्म फल उसके कर्म को प्रभावित नहीं कर सकता। मान लीजिए ज्योति ज्ञानी माता जी है ना, ज्योति ज्ञानी माता जी को कोई बोले कि माता जी आपको झाड़ू लगाना है, लेकिन झाड़ू जो लगाना है आपको वो रेगुलरली लगाना है, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसके, ना ही कोई ये कहेगा कि आप झाड़ू बहुत अच्छा लगाती हैं या फिर आप रेगुलर यहाँ पे झाड़ू लगाती हैं, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको रेगुलर झाड़ू लगाना है। जो ये कार्य कर पाता है उसको सन्यासी कहते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्म, माते संगोस्तु अकर्मणि। अब इसका मतलब ये है कि ज्योति ज्ञानी माता जी को 3 काम करने पड़ेंगे। अगर ज्योति ज्ञानी माता जी सन्यासी के जैसे जीवन जीना चाहती हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी कार्य करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो करें, लेकिन उसका क्रेडिट कुछ ना ले, दूसरा ना ही क्रेडिट ले, और ना ही कभी उसकी पारितोषिक ले। पारितोषिक मतलब जो भी सेवा करें उसमें मेरा भी कुछ फायदा हो। जैसे मान लीजिए प्रसादम कुकिंग की सेवा लग गई, तो ये सोचें कि अब प्रसाद कुकिंग की सेवा लगी है तो चलो 2-4 गुलाब जामुन हम पैक करके ले जाते हैं। नहीं, फिर क्या कह रहे हैं कि आवश्यकता है तो ले भी जा सकते हैं, पूरे पूरे डिब्बे ले जा सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, भगवान की सेवा के लिए। या फिर अगर मान लो जैसे माता जी बोले कि घर में अभी हम रात में जाएंगे तो कुकिंग कहाँ से करेंगे, तो बाकी घर वालों के लिए प्रसादम पैक करके ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्ण सेवा के लिए, कर्तव्य के लिए आवश्यक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें पैक करके ले जाने में कोई हानि नहीं। लेकिन हमको ऑनेस्टली ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण सेवा के लिए ये हो रहा है। तो 3 कार्य करना है, एक ये कि कर्म करते रहो, उसके फल को खुद मत भोगो, उसका क्रेडिट भी मत लो, और आलसी भी मत बनो कि अब हम कोई हमें क्रेडिट भी नहीं दे रहा, प्रभु जी इतने दिन से मैं इतने दिन से इतना मेहनत से 200 लोगों का प्रसाद बनाई प्रभु जी, वो जब प्रभु जी आए थे तो उसमें 200 लोगों का प्रसाद बनाया मैंने प्रभु जी, किसी ने एक बार ये भी नहीं बोला कि माता जी ने प्रसाद बनाया, थैंक यू तक नहीं बोला। चलो वो तो ठीक है, मैंने बोला था कि भाई 500 रुपये मुझे मिलने चाहिए, वो भी नहीं मिले, अब इसके बाद मैं आज से कभी बनाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं। तो ये लेवल पे जो व्यक्ति है, सन्यासी का मतलब यही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही उसको क्रेडिट मिल रहा है। कोई बहुत सारे लोग कहीं पे जो भी सेवा कर रहा है, कोई जाके ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे इन्होंने बहुत बड़ा किया, ऐसा कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन वो आलसी नहीं है, वो प्रतिदिन अपने कर्तव्य को करता रहता है, तो इसको ही सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यति नाम दंडी नाम चैव न्यासी नाम च शिरोमणि। जितने भी त्रिदंड धारण करने वाले, त्रिदंड धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ का मतलब यह है, यति नाम श्रेष्ठ, शिरोमणि मतलब
कि वो सामान है उनके पास, भले दिख रहा होगा लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है। तो इसको कहते हैं यति नाम शिरोमणि, हु वॉन्डर्स फ्रीली, सारे मतलब किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। दुनिया है, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज में आसक्त नहीं है। मतलब कोई भी चीज उनकी साधना को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उनकी माला को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो यदि आपको जानना है कि हमारी आसक्ति है या नहीं है किसी चीज में, तो हम उसके लिए कितना ईगरली रोते हैं जब वो चला जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमारी आसक्ति, या उसको जो है भगवान की सेवा के लिए अगर है तो हमको उसको खोजना चाहिए। जैसे किसी का लैपटॉप खो जाए, कोई ब्रह्मचारी है उनका लैपटॉप खो जाए, तो लोग वो बोले कि खोज रहे हैं, तो कोई बोले कि कितने आसक्त हैं प्रभु जी अपने लैपटॉप से। अरे भैया, भगवान की सेवा के लिए मंदिर वालों ने दिया था, भक्तों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके दिया था कि भाई आप ये लैपटॉप खरीद लीजिए, तो भक्तों ने कंट्रीब्यूट करके दिया था, सेवा के लिए दिया था, अब नहीं खोजोगे क्या उसको? खोजना पड़ेगा, इसमें आसक्ति नहीं है, इसमें कर्तव्य है कृष्ण सेवा के लिए। तो यतीन आसक्त का मतलब, यति नाम मतलब सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं, और वो अपने को उससे बद्ध नहीं रखते। दंडी नाम शिरोमणि का मतलब जो दंड धारण करते हैं, त्रिदंड का मतलब तीन दंड जो होते हैं वो, एक मन, दूसरा शरीर, तीसरा कर्म। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो एक छोटा सा गिटका भी उसमें बांधते हैं, जो कि उनका अपने आप का समर्पण होता है। तो ये तीन चीजें समर्पित करना, मतलब मैं कभी भी अब इन तीन चीजों को कृष्ण के अलावा किसी और की सेवा में कभी भी नहीं लगाऊंगा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 57वें श्लोक में लिखा हुआ है कि संन्यास लेते समय ये मंत्र बोला जाता है। कौन सा मंत्र है? एताम स आस्था ये परात्मनिष्ठा मध्यासितां अध्यासितां पूर्वतमहिर् महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारं तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? आई शेल क्रॉस ओवर द अनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ निशाइंस बाई बींग फर्मली फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। दिस वॉज अप्रूव्ड बाई द प्रीवियस आचार्यस हु वर फिक्स्ड इन फर्म डिवोशन टू द लॉर्ड परमात्मा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना, मैं अपने मन बुद्धि अहंकार मन कर्म और वचन तीनों से मैं आपकी ही सेवा करूंगा, अब से ये मन ये कर्म और वचन किसी और की सेवा में नहीं लगेंगे, तो इसको संन्यास कहा जाता है। और जीव दंड होता है, जीव दंड का मतलब जो तीन दंड के ऊपर एक गिटका के जो छोटे से लकड़ी बांधा जाता है उसको जीव दंड बोलते हैं। वो जीव आजकल ऐसा अंदर करके कपड़े के अंदर डाल देते, पहले बाहर होता था। तो जीव दंड का मतलब है मैं अपना भी सर्वस्व आपको अर्पित करता हूं। तो ये थोड़ा बहुत संन्यास के बारे में हमने चर्चा किया। अगर कोई आपको पूछे कि ये दंड जो लेकर चलते हैं इसका क्या मतलब है, तो इसमें तीन बांस के डंडे होते हैं, एक इसका द्योतक है कि मन, दूसरा कर्म, तीसरा वचन, और एक छोटा गिटका अगर ऊपर बंधा हुआ है तो उसका क्या है? वो जीव दंड। तो अब आगे कह रहे हैं कि न्यासी नाम शिरोमणि, न्यासी नाम शिरोमणि, दंडी नाम शिरोमणि का मतलब जो दंड धारण करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ। कितनी अप्सरा के जैसी सुंदर विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया ये थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ के चले गए।
न्यासी नाम शिरोमणि, सारे संसार को छोड़ने वाले लोगों में सबसे श्रेष्ठ। तो यति नाम शिरोमणि का मतलब जो भगवान के लिए यत्न करने करते समय घूमते रहते हैं, और सन्यासी यो में सर्वश्रेष्ठ। न्यासी नाम का मतलब यह है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान होकर के इसको हम लोग अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमको लोग पकड़ नहीं रहे। मैंने जब कंपनी छोड़ी तो मैंने सोचा कि अब एक ही रोल था मेरा, मैं सिंगल, आई वॉज ए सिंगल पर्सन, आई वॉज ए सिंगल इंटरेक्शन डिजाइनर इन द गूगल। तो उस समय वहां पर हैदराबाद में, तो मैं सोच रहा था सारे डेवलपर्स मेरे ऊपर निर्भर हैं। कई लोग केक लेके आए, जब मैं जाने लगा तो उसमें से कई रिजेक्ट हो गए, क्योंकि वो चॉकलेट वाले केक थे। मेरे जो मैनेजर थे वो भी केक लेके आए, करे देखो ये जा रहा है, फिर लोग सोच रहे थे इस्कॉन ज्वाइन करने जा रहा है, दुखी थे लोग। लेकिन बाद में मैंने देखा कि 10 दिन में ही वो पोस्ट भर गई, इतना कोई हमको पकड़ भी नहीं रहा। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यासी नाम शिरोमणि, मतलब जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, किसने, हमने भी छोड़ा है, लेकिन हमने क्या छोड़ा है, हो सकता है 2-4 लाख की नौकरी छोड़ दी होगी, और थोड़ा बहुत हमने छोड़ा है, लेकिन इतना भी हमने नहीं छोड़ा। हमने मान लो परिवार को छोड़ा है, लेकिन वो परिवार तो, अब मान लो विवाह नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी बात तो की नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो विवाह जिनका होता ही नहीं है बेचारे। है ना? नहीं, कई लोगों का विवाह ही नहीं हो पा रहा है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विवाह नहीं किया तो क्या, और विवाह करने में बाप रे, बल्कि इट्स कई लोगों के लिए तो इट्स ए प्रिविलेज। कुछ लोग विवाह नहीं, मेरे पिताजी, जब मैं एक बार स्कूटर लेकर के जा रहा था तो मम्मी को बैठाना था, मैंने बैठाया नहीं, अब बिना बैठाए ही चला गया आगे। बोलते एक बात बताओ, तुम इतने भुलक्कड़ हो, तुम्हारी शादी होगी तो क्या होगा, अपनी पत्नी को ही भूल जाओगे तुम तो। सही बात है, कई लोग हैंडल ही नहीं कर सकते, दिस इज टू मच। तो उस हमने तो क्या ही छोड़ा है ना, नौकरी छोड़ दी मान लो, एक थोड़ा बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं छोड़ी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो किसको छोड़ दिया, इतना प्रेम करने वाली पत्नी है, और इतना सुंदर जो है, सारे लोग उनकी वैल्यू कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया। रक्तांबर धर श्रीमान नवद्वीप सुधाकर, श्रीमान मतलब भाग्य से युक्त हैं, श्री ऑपुलेंस उनके पास है, रक्तांबर मतलब लाल कपड़े धारण करते हैं, तो सन्यासी का वेश धारण करते हैं, और नवद्वीप में सुधा का प्रवाह होता रहता है जब तक वो नवद्वीप में रहते हैं, और प्रेम भक्ति सबको प्रदान करते हुए श्री सचिनंदन चल रहे हैं। जो भी व्यक्ति, अब इसका तीसरा लाइन है, द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नरः तस्य वांछा सुसिद्धि स्याद भक्ति श्रील पदाम्बुजे। जो व्यक्ति इस 12 नाम को बोलता है 3 संध्या में, तस्य वांछा सुसिद्धि, उसे सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है, और उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अभी आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ज्योति ज्ञानी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरी बेटी जानना चाहती है कि जामवंत जी चिरंजीवी है कि नहीं। मैं तो जानती हूँ कि मुझे पता है जहां तक है, पर आप बताइए हाँ प्लीज।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चंस? जाम भगवान जी जो हैं वो भगवान ब्रह्मा जी की जमाई से निकले थे। जब उन्होंने ऐसे जमाई ली थी तो उससे वो प्रकट हुए थे, और भगवान सातवें अवतार और भगवान राम अवतार में भी रहे, और श्री समुद्र मंथन जब हो रहा था उस समय भी वो थे, और वामन देव की उन्होंने 21 परिक्रमा की थी एक छलांग लगा करके, जब महाबली बाली बलि से वामन देव ने लिया था, सारा त्रिभुवन ले लिया था। इन्होंने भगवान कृष्ण राम दोनों की सेवा की। इनकी बेटी जाम्बवती जो है वो कृष्ण से, भगवान कृष्ण से उनका विवाह हुआ था। जाम्बवान जी बहुत शक्तिशाली थे और मुख्यतः यही यही इनका ये है। और द्वारका व क्षेत्र में ये उस समय थे, सत्राजित वाली जो लीला है वो हुई थी। और इन जाम्बवती का पुत्र सांब था, जो कि लक्ष्मणा से जिसका विवाह हुआ था, जो कि दुर्योधन की पुत्री थी। आज भी साउथ इंडिया में जाम्बवान कल्याण, जाम्बव कल्याणम करके एक नाटक किया जाता है विजयनगर में, और ये भागवत पुराण पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये इनके बारे में, जाम्बवान जी और जम्बू द्वीप पे इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम जाम्बवान पड़ा था, और इसलिए भी जम्हाई लेते हुए जन्म हुआ, इसलिए भी इनका जो है जाम्बवान नाम था। जब वो रामायण के समय, जब भगवान विष्णु ने मधु कैटभ दैत्य को मारा था, तब भी वो थे, और जब रामायण का समय जब था तो वे 6 मन्वंतर बूढ़े हो गए थे, 6 मन्वंतर के थे। एक मन्वंतर में देवता जो है चेंज हो जाते हैं, तो इनकी उम्र चिरंजीवी का मतलब यही है कि ब्रह्मा जी जो है के एक दिन तक, वो एक कल्प तक जीवित रहेंगे। एक कल्प तक का मतलब यह है कि एक कल्प में 14 मन्वंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में बीतते हैं, तो वो 14 मन्वंतर तक ये रहते हैं। तो अमरता का भी कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है लोमश ऋषि, ऐसा बोला जाता है कि लोमश ऋषि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब लोमश ऋषि के शरीर का एक बाल टूटता है। तो ये ब्रह्मा जी से भी ज्यादा जो है उम्र है इनकी। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी ऐसे कैसे हो जाएगा, समझ लेकिन ये जो है, ये जो है, ये जब भगवान, जब ब्रह्मा जी भगवान जब सांस लेते हैं तो फिर ये भगवान के अंदर चले जाते हैं, तो ये भगवान की श्वास के बराबर ये उम्र होती है। तो
ठीक है। यानी और अदर कोई और कोई प्रश्न किसी का, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम इसको सब यहीं पर समाप्त हरे करते कृष्णा हैं। और प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, एक्चुअली मेरी बेटी है ना, उसके फ्रेंड्स और कलीग्स काफी है ना रामायण के बारे में, सीता जी के बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रही है आजकल, रील्स बना रही है, मतलब रामायण बुक पढ़ रही है, सबको जो नहीं रामायण जिनको पता भी है काफी, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब फैक्ट से पता नहीं है, तो उसलिए वो मतलब और जानकारी निकाल निकाल के सबको मतलब वो इस तरह से प्रचार करने की कोशिश कर रही है प्रभु जी। आज के यूथ तो ज्यादा वेबसाइट से ही कनेक्टेड है, तो इस तरह से रील्स वगैरह ये सब चीजें कर रही है प्रभु जी, तो प्लीज आप उसे आशीर्वाद दीजिए कि मतलब वो मतलब प्रचार प्रभुपा जी का जो मिशन है प्रचार प्रचार कर सके प्रभु जी। चलो, ये सब जो भी चीजें हैं इसमें थोड़ा बहुत सारी चीजें ध्यान भी देने वाली हैं, जो आजकल की जो ये रहते हैं तो कई बार, लेकिन यह है कि बच्चों की प्रवृत्ति होती है, तो उसको, जैसे कि हमारे एक भक्त थे, भक्त ने, उनकी बेटी बहुत मोटी हो गई थी, तो उन्होंने रील्स बनाना शुरू किया, डांस की रील्स बनाना शुरू किया। और सारे जितने भी उनके कॉन्ग्रिगेशन में लड़कियां थी उनको सबको इसमें इंगेज किया, और उसमें जो थोड़ा मोटे थे तो इससे वो थोड़ा दुबली होने लगे। तो इसमें ये पर्पस जो है बड़ा, अगर मतलब शुद्ध है तो फिर शुद्ध होना बड़ा आवश्यक, मतलब इन सब चीजों में बहुत हाँ विज्ञान देखना पड़ता है। फिर भी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, और इनके लिए ठीक है, अच्छा है। रील्स वगैरह आजकल बच्चों को रुचि भी होती है रील बनाना है, तो चलो कम से कम भगवान वाला ही रील बनाएं। सब भी आजकल बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना करके सारे बच्चे आजकल करते हैं। हमारे यहाँ भी शिमला में स्मृति माता जी और सारे जितने भी ये वंदना खानता, ये सब सबको ना, हम गए वहां पर प्रभु जी से मिले, तो ये सब चीज का रील बना देते। चलो ठीक है माता जी, तो बेस्ट ऑफ लक इनके लिए, ये भी अच्छे अच्छा है जितना, पर इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि हमारा देहात में बुद्धि ना बढ़ जाए। बच्चों का तो वैसे चलो इतना कुछ नहीं रहता है, ऐसा नहीं हो कि हम बहुत फेमस मतलब हो गए फिर हम जो है, पर अभी तो इतना ज्यादा फेमस होना नहीं है, इतना जल्दी तो होता नहीं है, ये तो बहुत, इसमें तो एल्गोरिदम लगता है, जो पैसे खिलाते हैं केवल वही व्यक्ति जो है लगता है, मैंने इसमें जॉब किया है इसी कंपनी में, मैं जानता हूँ, ये नॉर्मल लोग नहीं करते, उसके लिए ये लोग पे करके कुछ लोगों को रील्स पे मतलब ये सब बढ़वाते हैं, फिर जा करके होता है, मतलब ड्रास्टिकली अगर बढ़वाना होता है तो। वैसे कुछ लोग लॉजिकली भी होता है, धीरे धीरे उनके फैन फॉलोइंग की वजह से होता है, ये लोग पैसे लेते हैं, मतलब गूगल टेक्स मनी, यूट्यूब टेक्स मनी ऑल्सो, है ना। ठीक है माता जी, बेस्ट ऑफ लक, पर आप ध्यान दीजिएगा इसका पर्पस और इनका जो चेतना है दोनों पर। जी जी प्रभु जी, अरे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, जी, उसे ठीक अगर जरूरत पड़े तो आप प्लीज गाइड भी कीजिए प्लीज। है, नहीं ठीक है ठीक है, आप बात कर लेना एक बार मुझसे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों का अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।